तो सेफ में फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए क्या करना है, पहले मॉडल को एनालाइज करना है, और जैसे एनालाइज हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ये दिख रहा है स्टोरी एज सेफ वर्जन 12.f2 के फाइल, इसके ऊपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को फाउंडेशन डिजाइन करना है, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा मतलब कि बेस, वो वाला स्टोरी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है एक्सपोर्ट फ्लो लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबो, ये वाला सिलेक्ट करना है। अभी ये क्यों सिलेक्ट करना है, बिकॉज जो ये बेस पे जो भी फ्लोर है, फ्लोर के लोड है, वो वाला लोड्स तो आएगा, प्लस ऊपर के लोड्स मतलब अबव फ्लोर्स से जो भी लोड ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी हमको कंसिडर करना है, सो इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव, ठीक है। फिर सिलेक्ट केसेस में जाके ये सारे केसेस हमको सिलेक्ट करना है जितने भी हमने मॉडल में डिफाइन किए थे, और कॉम्बिनेशन भी हमने जितने भी डिफाइन किए थे वो सब सिलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद सिंपली ओके प्रेस करना है। अब इसको हम लोग सेव कर लेंगे सेव फोल्डर में, ये हमारा F2 के फाइल रहेगा। अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया, अभी सेफ में इंपोर्ट करना है आपको, सो फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, सेफ डॉट F2 के, देखो वहां से जो फाइल हमने एक्सपोर्ट किया है वो डॉट F2 के में सेव हुआ था ना, सो यहाँ पे डॉट F2 के को इंपोर्ट करना है, सो यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद वो जो हमारा मॉडल था सेफ F2 के वाला, यहाँ पे देखो ये मेरा कोई दूसरे प्रोजेक्ट का है, मैं वो अपना जो फोल्डर है वो ऑन करता हूँ। सेशन 15 वर्जन 16 सेव, ये रहा वर्जन 16, ठीक है ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो बॉटम के पॉइंट थे कॉलम के वो सब जनरेट हो जाएंगे, सो मैं पॉइंट्स को विजिबल कर दूंगा, और होराइजोन ये जो पीछे ग्रिड्स ग्राफ पैटर्न में दिख रहा है ग्रिड्स, उसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। सो मैंने उसको क्लोज कर दिया ओके। और ये जो ग्रिड्स है सेम यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम है मॉडिफाई ग्रिड्स में यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे देखो हाइड ऑल ग्रिड लाइंस यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये हाँ, ये हमारे कॉलम के पॉइंट्स है, जो भी वॉल एलिमेंट थे हमारे वो एज अ बीम आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी बीम जनरेट हो गया है जो वॉल एलिमेंट थे उनके लिए, बाकी जो कॉलम एलिमेंट थे उनका सिर्फ पॉइंट आया है, तो हम इनको क्या करेंगे कन्वर्ट, वॉल ये जो बीम एलिमेंट आया है इनको कन्वर्ट करेंगे वॉल एलिमेंट में, लेकिन सबसे पहले ये इंपोर्ट करने के बाद ये कॉलम के बॉटम मोस्ट पॉइंट इसमें आ गए, उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको ये प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो हम लोग वही नाम से दे देंगे G+3, G+3 क्या था एग्जाम्पल4 ना, एग्जाम्पल4 G+3 वर्जन 16 सेव ओके। सो अभी ये मॉडल से होने का, जैसे उसमें हमारा पहला स्टेप था डिफाइन, तो यहाँ पे भी डिफाइन मटेरियल्स में जाके हम क्या करेंगे, ये जो मटेरियल आया है इसको हम मॉडिफाई करेंगे, सो इसकी सब डेंसिटी सिर्फ ये कर देंगे राउंड ऑफ 25, बाकी 25,000 5,000 स्क्वायर रूट FCK 0.29.9 × 10⁻⁶ और FCK, अभी यहाँ पे देखो F-Z है, तो जो इसमें पहला स्टेप होगा वो डिजाइन में जाके प्रेफरेंसेस में जाके, जैसे वो मॉडल इनिशियलाइजेशन होता था ना ईटेप्स में, सबसे पहला स्टेप हम लोग डिजाइन कोड सिलेक्ट करते थे, वैसे ही इसमें आने के बाद सबसे पहला स्टेप है डिजाइन में जाके, डिजाइन प्रेफरेंसेस में जाके कोड सिलेक्ट करना, जो डिजाइन का कोड है आपका, तो मेरा IS456 है वो मैंने सिलेक्ट किया। अभी उसके बाद मैं कवर्स दूंगा, ठीक है। तो ये स्लैब मीन्स फुटिंग है, ठीक है, क्योंकि फुटिंग भी एक स्लैब ही है एक तरीके से, बट वो डीप भी थोड़ा थिक स्लैब है, तो यहाँ पे मैं फुटिंग का कवर कितना 50 mm, ठीक है, मैंने आईएस कोड में बताया था आपको, और यहाँ पे मैं प्रीफर बार लेयर में मिनिमम वाला रखूंगा या तो एवरेज रख दूंगा, मुझे पता नहीं कि रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड कितना आएगा, 12 में आएगा या 16 में आएगा 20 में, तो मैं
पहले 16 रख देता हूँ, ओके। बाकी सब ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे, ये लेयर बी और ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो ये सिर्फ ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कोड में जाके डिजाइन कोड सिलेक्ट करना है, और ये जो गामा फैक्टर्स है, मटेरियल सेफ्टी फैक्टर्स, वो असाइन करना है, और स्लैब में जाके उनका क्लियर कवर और प्रीफर्ड बार लेयर, ये इफेक्टिव कवर कैलकुलेशन के लिए। सो इसलिए मैंने एवरेज वाला रिइंफोर्समेंट यहाँ पे कंसिडर किया है, ओके। सो ये हो डिजाइन प्रेफरेंसेस हो गया, उसके बाद मटेरियल डिफाइन करेंगे, मॉडिफाई में जाके मटेरियल्स को हम मॉडिफाई कर देंगे। तो ये हमारा मटेरियल कौन सा था, M25 ना, कॉन्क्रीट ग्रेड उसमें, और ये डेंसिटी हमारी 25, ठीक है। तो ये FCK 25, 25,000.29.9 × 10⁻¹, और वेट पर यूनिट वॉल्यूम 25, ओके। अभी कुछ बचा है Fe500, ठीक है। तो ऐड न्यू मटेरियल करेंगे और यहाँ पे रीबार पे क्लिक करेंगे, Fe500, ओके। और ये हमारा वेट डेंसिटी तो इतना ही आता है, वो 7850 kg/m³ है, तो आप कन्वर्ट करोगे तो उसका वैल्यू इतना आएगा वेट में, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 × 10⁻¹ तो 2 लाख कर दूंगा ना, 2 × 10⁵, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 500, और ये मेरा 545, ठीक है। ये क्या किया मैंने, Fe500 मटेरियल डिफाइन किया रिन्फोर्समेंट का, और उसमें ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको राउंड ऑफ किया, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, वो दोनों डिफाइन कर दिया, ओके। सो ये डिफाइन होने के बाद आपको ओके करना है, उसके बाद स्लैब प्रॉपर्टीज में जाना है, और जो फाउंडेशन हम देने वाले हैं यहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा लोड कम है और मिनिमम फाउंडेशन की थिकनेस है 300 mm, तो फाउंडेशन की जो मिनिमम थिकनेस है हम उससे स्टार्ट कर लेंगे, और इसको मैं 300 स्लैब असाइन कर देता हूँ। तो मैं ये मॉडिफाई करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फूटिंग 300 M30, सॉरी M25, यहाँ पे मटेरियल में M25 सिलेक्ट करूंगा, स्लैब टाइप में फुटिंग करूंगा, और यहाँ पे मैं 300 असाइन कर दूंगा, थिक प्लेट, ओके। आइसोलेटेड फुटिंग 300 mm थिक, M25, ओके। अब यहाँ पे मैं जाके सेकेंड प्रॉपर्टी जो डिफाइन करूंगा वो है मेरा सॉइल सबग्रेड। ये मैंने बताया था कि जो सॉइल कंसल्टेंट का रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट में हमको पता चलेगा कि ये सॉइल सबग्रेड किया है। अब ये सबग्रेड मॉड्यूलस क्या है, सबग्रेड मॉड्यूलस इज नथिंग बट SBC अपॉन परमिसिबल सेटलमेंट, ठीक है। सो SBC तो मेरा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी हो गया, और परमिसिबल सेटलमेंट मतलब मेरा डिफ्लेक्शन, परमिसिबल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो मेरा कितना होगा वो यहाँ पे हमको बताना है, मतलब वो ये कौन बताएगा हमको, सॉइल कंसल्टेंट, ठीक है। तो उसकी सॉइल रिपोर्ट में ये वैल्यूज दी होगी, तो हम ये यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, SBC 300 kN/m² और जो परमिसिबल सेटलमेंट है वो हम लेंगे आइसोलेटेड फुटिंग के लिए 10 mm, 12 mm होता है, तो हम 10 mm ले लेंगे। तो सबग्रेड मॉड्यूलस क्या हो गया मेरा, आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ। हाँ सर, तो सबग्रेड मॉड्यूलस मेरा क्या हो जाएगा, SBC डिवाइडेड बाय सेटलमेंट, ठीक है। ये SBC डिवाइडेड बाय सेटलमेंट, तो उसमें मेरा ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर बताओ मुझे कितना आएगा, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चाहिए। SBC आई थिंक पर मीटर स्क्वायर में होता है ना, नहीं
वो कैसा है, जो बियरिंग एरिया है सॉइल का, उसका जो प्रेशर परमिसिबल है सॉइल की कैपेसिटी, तो वो यूनिट में आती है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 0.01, क्योंकि 10 mm कितना हो गया, 0.01 meters ना, बराबर ना। यस सर, तो ये मेरा कितना आ गया, 30,000। अब इसका यूनिट मेरा आएगा किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब सबग्रेड का। ठीक है, अब वो यस वेरीफाई सर, करना है, तो यहाँ पे देखो ये है ना किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब वो कैसे आया, ये किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है डिवाइड बाय पर मीटर है, सो पर मीटर स्क्वायर पर मीटर मतलब पर मीटर क्यूब आ गया है ना। सो ये 30,000 यहाँ पे हम इनपुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे इनपुट करेंगे 30,000, 1, 2, 3, 4। ओके, सो सॉइल 300 डिवाइड बाय, जस्ट याद रखने के लिए कि 300 मेरा एसबीसी और 10 mm मेरा परमिसिबल सेटलमेंट है। ओके, सो ये डिफाइन करने के बाद देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मटेरियल डिफाइन किया, स्लैब प्रॉपर्टी में फाउंडेशन की डेप्थ वाला एक थिकनेस प्रॉपर्टी हमने असाइन कर दिया स्लैब का, और उसके बाद सॉइल सबग्रेड असाइन किया। उसके बाद आपको आना है लोड पैटर्न्स में और चेक करना है कि जो लोड केसेस हमने वहां पे दिए थे वो एज इट इज रीड किया है क्या सॉफ्टवेयर ने। तो देखो अभी हमने डेड को डेड दिया था, लाइव को लाइव दिया था, एसडीएलएन वॉल को डेड दिया था, इक्यूएक्स इक्यूवाई मतलब क्वेक क्वेक मीन सिस्मिक इधर यहाँ पे, और ये विंड एक्स विंड वाई। तब ये देखो ये अब मतलब ऊपर के फ्लोर के लोड केसेस, वो ऑटोमेटिकली उसने जो भी लोड पैटर्न था उसी के अंडरस्कोर में अब लिख के यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो वो हम एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे भी सेल्फ वेट मल्टीप्लायर एक ही में है जो टॉप मोस्ट लोड केस है उसमें। ठीक है, सो उसके बाद हम लोड कॉम्बिनेशन में देखते हैं, तो लोड कॉम्बिनेशन में भी जो हमारे 26 लोड कॉम्बिनेशन है बाय डिफॉल्ट वो वाले आ चुके हैं। ठीक है, हम रैंडम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो, लेकिन अब मुझे यहाँ पे सर्विस कॉम्बिनेशन जनरेट करना पड़ेगा। क्यों, फुटिंग के लिए मैंने बताया था ना इनिशियल साइजिंग चेक, जब साइजिंग करनी पड़ती है फाउंडेशन की तो हमको सर्विस के कॉम्बिनेशन जनरेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो हम वन बाय वन जनरेट करेंगे। तो उसको जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, जो लोड फैक्टर्स है हमारे वो वाले देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो फैक्टर्स दिया आई एस 456 ने लोड कॉम्बिनेशन का, पेज नंबर 68 आई एस 456, सो उसमें देखो डेड एंड लाइव लोड को कंबाइन करना है तो 1:1 लोड फैक्टर है, डेड एंड विंड लोड को कंबाइन करना है तो 1:1 फैक्टर है, बट डेड लोड लाइव लोड एंड विंड लोड तीनों को एक साथ कंबाइन करना है तो 1:0.8 एंड 0.8 ये वाला लोड फैक्टर है। सो इसके अकॉर्डिंग हम वहां पे लोड कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे फॉर साइजिंग। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जनरेट करूंगा सबसे पहला लोड कॉम्बिनेशन, तो मैं क्या करूंगा कि ये मेरा 1.5 डेड प्लस 1.5 लाइव वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं ऐड कॉपी ऑफ कॉम्बो करता हूँ, और यहाँ पे सर्विस कॉम नाम दे देता हूँ, सर्विस अंडरस्कोर कॉम 1। ठीक है, तो सर्विस कॉम्बो 1 में ये क्या रहेगा, सब 1 हो जाएगा ना, 1 डेड 1 लाइव ना फर्स्ट वाला, और यहां से मेक श्योर कि ये निकाल देना है आपको। ठीक है, स्ट्रेंथ अल्टीमेट निकाल देना, बिकॉज अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी हमारी सिर्फ अल्टीमेट लोड फैक्टर्स में, यहाँ पे हम सर्विस लोड फैक्टर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सर्विस नॉर्मल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा इसमें से कोई भी। ठीक है, तो ये सर्विस अंडरस्कोर कॉम्बिनेशन 1 टाइप लीनियर एड रहेगा, और सिर्फ ये जो लोड फैक्टर्स है ये 1:1:1 हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा वो फैक्टर दिया हुआ है 1:1 का। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ऐसे ही मैं दूसरा कॉम्बिनेशन जनरेट करूंगा अभी, क्योंकि ये जनरेट हो चुका है तो मैं इसको कॉपी करूंगा। यहाँ पे मैं सर्विस कॉम्बो कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, तो मैं ये सिर्फ कॉपी कर लूंगा, ये एवरी टाइम मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कंबाइन करूंगा, ये लाइव लोड को मैं डिलीट करता हूँ, सो सिंपली डिलीट प्रेस करूंगा डेड लोड एसडीएल वॉल, और यहाँ पे मैं विंड एक्स ले लेता हूँ,
ठीक है, अब कॉपी करता हूं मैं कॉम्बिनेशन थ्री, वहां पे मैं माइनस वन करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा सर्विस कॉम्बिनेशन फोर, यहाँ पे मैं विंड वाई सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको कॉपी करूंगा मैं फिर से, और यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन फाइव में, फाइव हो चुका ना अभी, सिक्स आएगा, हाँ फाइव आएगा अभी, तो विंड वाई माइनस वन, समझ गए, तो ये मेरा हो गया डेड प्लस विंड, विंड एक्स माइनस विंड एक्स प्लस विंड वाई माइनस विंड वाई, ठीक है, अभी मैं लूंगा डेड प्लस लाइव प्लस विंड लोड, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइव लोड ऐड कर देता हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूंगा और इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी डेड लाइव एच डी एल वॉल, और यहाँ पे मैं विंड एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, विथ लोड कॉम्बिनेशन फैक्टर, अब ये कॉम्बिनेशन नंबर सिक्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी ये तीनों कंबाइन होने के बाद लोड फैक्टर्स मेरे चेंज हो गए, विथ फॉर लाइव लोड 0.8, फॉर विंड लोड 0.8, सो यहाँ पे मैं जाऊंगा फॉर लाइव लोड 0.8, फॉर विंड लोड 0.8, ओके, अभी इसको कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा सर्विस कॉम्बिनेशन सेवन, सेवन में ये क्या हो गया, ये माइनस 0.8 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, और कॉम्बिनेशन एट, एट में क्या हो जाएगा, ये मेरा विंड वाई हो जाएगा, ठीक है, अभी इसको कॉपी करूंगा मैं, कॉम्बिनेशन नाइन, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन नाइन में ये मेरा माइनस 0.8 विंड वाई, ठीक है, तो ऐसे मेरे ये विंड के लोड कॉम्बिनेशन जनरेट हो गए, अभी मैं अर्थक्वेक का लोड कॉम्बिनेशन जनरेट करूंगा, सो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, विंड एक्स की जगह पर मैं इक्यू एक्स टाइप करूंगा, यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 10 हो जाएगा, है ना, इसको मैं अभी इसको कॉपी करूंगा मैं अगेन, ये मेरा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा माइनस वन आ जाएगा, फिर मैं इसको कॉपी करूंगा, ये मेरा 12 हो जाएगा, समझ रहा है ना मैं कैसे जनरेट कर रहा हूँ ये विंड एंड अर्थ के कॉम्बिनेशन, ये मैंने बताया अभी तक सिर्फ वन बाय वन उसको प्लस माइनस एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजों के साथ प्ले करना है बस, ठीक है, तो 13 में EQI माइनस वन, अभी 14th कॉम्बिनेशन जनरेट करूंगा मैं, उसके लिए कॉपी करूंगा सर्विस कॉम्बिनेशन नंबर 14, 14 में मेरा यहाँ पे EQX रहेगा, यहाँ पे मुझे वो ये वाला लेना है, सॉरी इसको कॉपी करना है, मैं कॉपी करके मैं 14th कॉम्बिनेशन जनरेट करूंगा, 14th में मेरा डेड लाइव एच डी एल वॉल, और यहाँ पे मेरा रहेगा EQX, लेकिन अब मेरा ये 0.8 हो जाएगा और ये भी 0.8 हो जाएगा, ओके, फिर इसको कॉपी करूंगा मैं, 15 माइनस 0.8 EQX, कॉपी 16 प्लस 0.8 EQY, ओके, कॉपी 17, ठीक है, माइनस 0.8 EQY, ओके, सो अभी मैं ये साइजिंग का एनवलप चेक करने के लिए एक एनवलप लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करूंगा, तो एनवलप के लिए मैं ऐड न्यू कॉम्बो में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं एनवलप फॉर सर्विस ये डिफाइन करूंगा, यहाँ पे टाइप में जाके एनवलप में सिलेक्ट करूंगा कॉम्बिनेशन टाइप में, मेक श्योर यहाँ पे लीनियर ऐड नहीं होना चाहिए गलती से भी, नहीं तो सारा लोड्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन टाइप में एनवलप करूंगा, यहाँ पे मैं सर्विस के जितने भी कॉम्बोज हैं उनको सिलेक्ट करूंगा और उनको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा, ठीक है,
समझ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? सुमित बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? सर ये वाला पार्ट नहीं समझा मुझे, आपने वो कॉम्बिनेशंस बनाया वो सारे वो समझे, उसका ये नहीं समझा। ये एनवलप क्या होता है? अभी देखो हमको साइजिंग किसमें किसमें करना है, डेड लोड प्लस लाइव लोड में, और जितना भी अदर फैक्टर्स अदर लोड कॉम्बिनेशन है उसमें से गवर्निंग देखना पड़ेगा ना कि गवर्न कौन सा हो रहा है, कि मैं जी वन सर बाय वन सब चेक करूंगा। तो जो गवर्निंग रहेगा वही दूंगा सर। बराबर ना, तो आइडियल हाँ रूल क्या है कि मैं वन बाय वन चेक करूंगा, ठीक है, एक लोड कॉम्बिनेशन में मेरी साइजिंग चेक करूंगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर मुझे ही बता दे कि बाकी के जो लोड कॉम्बिनेशन है मेरे लैटरल वाले उसमें मेरा ये कौन सा गवन हो रहा है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन ऐड कर दूंगा बस, और कुछ नहीं, और उनका मैं एनवलप बनाता हूँ जितना मेरा सर्विस का है सिर्फ वही वाला, बाकी के नहीं ऐड करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो ये सर्विस कॉम 1 से लेकर सर्विस कॉम 17 तक मैंने ये जो भी गवर्निंग है वो वाला सिलेक्ट कर दिया। ओके, अभी मैं जैसे ये सर्विस का एनवलप किया है वैसे मैं डिजाइन का भी एनवलप एक डिफाइन करूंगा। सो डिजाइन एनवलप, जैसे ये नाम दिया था वैसे इसको भी नाम देना है एनवलप अंडरस्कोर डिजाइन या डिजाइन अंडरस्कोर एनवलप, ठीक है। ये डिकॉन 1, डिकॉन 2, डिकॉन 3, डिकॉन 4, डिकॉन 5, ऐसे सबको ऐड करना है, और सबका स्केल फैक्टर 1 रहेगा बिकॉज मैं सब में से सिर्फ गवर्निंग चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो क्या है, ठीक है। ये कम से कम हमारे 26 लोड कॉम्बिनेशन है वो सारे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, वन बाय वन। तो 19 हमारे हो गए, अभी मैं 20th लेता हूँ और उसके बाद 21st लूंगा, एंड देन 22nd, 23rd, 24th एंड 25, देन 26, ठीक है। तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं अभी जब डिजाइन कर लूंगा ना तो और भी थोड़ा अच्छे से समझेगा कि ये क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे क्यों किया था हमने, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिजाइन के सब कॉम्बिनेशन ले लिए, डिकॉन 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये 25, 26। ओके, ये अनिकेत ब्राह्मणकर ये तो ST1 का स्टूडेंट है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये देखो डिकॉन 1 से लेके डिकॉन 26 तक हमने ऐड कर दिए। ओके, सो ये डिजाइन एनवलप लीनियर ऐड, अरे सॉरी ये देखो लीनियर ऐड नहीं करना, कॉम्बिनेशन टाइप में एनवलप करना है। ओके, लीनियर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जितने भी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट होंगे वो लीनियरली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको ऐड नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ एनवलप, एनवलप मतलब इसमें से जो भी गवर्निंग होगा सिर्फ वो शो करेगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का एक डेफिनेशन है और वो कैसा है क्यों है वो आगे हम देखेंगे वन बाय वन, लेकिन पहले हमको इतना स्टेप्स कर लेना है इसमें। सेफ में कोई भी मॉडल बनाओगे तो पहले जो भी स्टेप है वो इतना स्टेप्स है। सबसे पहले डिफाइन मटेरियल में, सबसे पहले तो डिजाइन प्रेफरेंसेस में जाके कोड सिलेक्ट करो, फिर कवर में जाके जो फाउंडेशन का कवर है वो असाइन कर दो और प्रिफर्ड बार लेयर डाल दो फॉर इफेक्टिव कवर कैलकुलेशन। उसके बाद डिफाइन मटेरियल में जाके मटेरियल डिफाइन कर दो, जो कॉन्क्रीट का ग्रेड है, जो रिइंफोर्समेंट का ग्रेड आएगा फाउंडेशन में, और उसके बाद स्लैब प्रॉपर्टी में जाके फाउंडेशन की जो प्रॉपर्टी थिकनेस हमको देनी है वो थिकनेस असाइन कर दो। 300 शायद कम पड़ेगा, मैं बाद में चेंज करूंगा, 400 तक शायद बैठ जाएगा वो। तो ये वो होने के बाद हम जैसे ये स्लैब प्रॉपर्टीज खत्म हो गई
उसके बाद हमने सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी असाइन किया था। सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी के लिए क्या किया, SBC अपॉन परमिसिबल सेटलमेंट। तो ये हमको जियोटेक्निकल कंसल्टेंट देता है। सो हमारे केस के लिए हमने इस 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की SBC कंसिडर की है और 10 mm परमिसिबल सेटलमेंट कंसिडर किया यहाँ पे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने सबग्रेड मॉड्यूलस निकाला बाय दिस फॉर्मूला SBC अपॉन सेटलमेंट। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट कर दी। उसके बाद हमने सिंपली ओके प्रेस किया। बाद में हमने लोड केसेस में गए और यहाँ पे सब चेक कर लिया। ओके, ये डमी वाला है, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिफाइन में जाके, लोड कॉम्बिनेशन में जाके हमने ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी जो डिजाइन के कॉम्बोज थे वो तो वहां से आए थे, लेकिन सर्विस के कॉम्बोज हमको डिफाइन करने पड़े बिकॉज फॉर साइजिंग ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो उसका एरिया रिक्वायर्ड निकालने के लिए हमको सर्विस के कॉम्बोज लगेंगे, सो वो हमने डिफाइन कर दिए। फिर उनका हमने एक एक एनवलप ले लिया। एनवलप मतलब गवर्निंग कॉम्बो, ठीक है। सो वो जो बंच ऑफ कॉम्बोज इसमें डिफाइंड है उसमें से गवर्निंग कौन सा है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन टाइप में एनवलप है, लीनियर ऐड नहीं है, ठीक है। लीनियर ऐड होता तो वो लीनियरली ऐड करता था सबको। यहाँ पे क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन टाइप में एनवलप दिया है तो इसमें से जो भी गवर्निंग होगा उसके लिए वो डिजाइन दिखाएगा, रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। सो इतना होने के बाद हमको क्या करना है, ये जो हमारे एलिमेंट है वॉल एलिमेंट जो एज अ बीम यहाँ पे आए हैं उनको कन्वर्ट करना है इन फाउंडेशन, मतलब स्लैब एरियाज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इनको हम एक्चुअल वॉल एलिमेंट्स बनाएंगे। सो इसको जाके सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टीज बीम प्रॉपर्टीज। बीम प्रॉपर्टी में ये दो वॉल थी हमारी, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अब एडिट में जाना है, एडिट लाइंस में जाना है, कन्वर्ट बीम टू स्लैब एरियाज। देखो अपने आप ऑटोमेटिक वो जो वॉल का एरिया था वो ड्रॉ हो चुका है, बट अब इसको स्लैब प्रॉपर्टी असाइन हुई है। और कौन सी वाली स्लैब प्रॉपर्टी असाइन हुई है, थोड़ा जूम करके हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है स्लैब प्रॉपर्टी स्लैब 1। सो हर एक में वही प्रॉपर्टी है, तो हम वो स्लैब 1 प्रॉपर्टी को स्टिफ मटेरियल असाइन करेंगे। स्टिफ क्यों देंगे, बिकॉज ये हमारा कॉलम है ना, और कॉलम हमारा रिजिड एलिमेंट होता है, तो उसको हम रिजिड बनाएंगे। तो रिजिड बनाने के लिए स्लैब प्रॉपर्टी में जाएंगे, स्लैब 1 सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, स्लैब 1 को हम नाम देंगे स्टिफ, ठीक है। स्टिफ स्टिफ में मटेरियल तो M25 रहेगा, लेकिन यहाँ पे टाइप में स्टिफ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस रहेगी वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट भी दे सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा फाउंडेशन का थिकनेस है उतना ही हम कंसिडर करेंगे इसको। फाउंडेशन का थिकनेस हमारा 300 है, वो हमने दे दिया, और थिक प्लेट। ओके, सो क्या किया स्टिफ डिफाइन करने के लिए, वो जो स्लैब था उसको मॉडिफाई किया, स्टिफ मटेरियल असाइन किया, स्लैब मटेरियल दिया, और टाइप स्टिफ करके उसकी जो थिकनेस थी फाउंडेशन की थिकनेस उसके इक्वल इसको रखा हमने, ओके और थिक प्लेट पे क्लिक किया। देन सिंपली ओके प्रेस करना है। यहाँ पे देखोगे आप तो वो स्टिफ प्रॉपर्टी असाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हो गया हमारा वॉल एरिया कन्वर्ट हो गया, स्टिफ बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी तो कॉलम्स हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स आए हैं, तो इनको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम स्लैब ड्रॉ कर लेंगे और उस स्लैब को हम स्टिफ असाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ड्रॉ में जाओ, क्विक ड्रॉ एरियाज अराउंड पॉइंट्स, इस पे क्लिक करो, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्लैब फुटिंग 300 की जगह पे स्टिफ, ठीक है, डायरेक्ट स्टिफ असाइन कर देंगे हम। ये हमारा जो कॉलम था वो कितना था, 300 बाय 300, 0.3 बाय 0.3, और सिंपली इस पे क्लिक कर दो, इस पे भी क्लिक कर दो। ये जो कॉलम था हमारा वो 300 बाय 600 था, सो वाई डायमेंशन हमारा 0.6 रहेगा, 0.6 एंटर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ड्रॉ में गया मैं, क्विक ड्रॉ एरियाज अराउंड पॉइंट इस पे क्लिक किया, और टाइप में टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब, और प्रॉपर्टी में स्टिफ असाइन कर दिया, और वो स्टिफ प्रॉपर्टी मैंने यूज करके कॉलम ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है।
जो कॉलम का पॉइंट था उस पे कॉलम ड्रॉ किया, मेक श्योर कि कॉलम का पॉइंट डिलीट ना हो गलती से भी। अगर कॉलम का पॉइंट डिलीट हो गया तो उसका लोड्स निकल जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने मॉडल वहां से लाया है तो सारे के सारे लोड्स इसमें जनरेट मतलब इंपोर्ट हुए हैं क्या सक्सेसफुली। तो उसके लिए डिस्प्ले में जाके शो लोड्स में जाऊंगा मैं, और कोई भी एक लोड पैटर्न ऐसे सिलेक्ट करूंगा और चेक कर लूंगा शो लोडिंग वैल्यूज बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा है तो मैं लोड्स फ्रॉम अबव वाला चेक कर लेता हूँ एक बार। लोड्स फ्रॉम अबव वाले में आया है क्या लोड्स? देखो लोड्स फ्रॉम अबव वाले में आया है, मतलब ऊपर के, क्योंकि बेस का तो कुछ खुद का फ्लोर लोड तो कुछ था नहीं, और जो भी आया फ्लोर लोड्स फ्रॉम अबव आया तो वो वाला लोड यहाँ पे आ चुका है, मतलब सारे के सारे लोड्स इंपोर्ट हुए हैं सक्सेसफुली, है ना, मोमेंट एज वेल एज एक्सियल फोर्स। ठीक है, एंड शियर पी एम V2 V3 एंड M1 M2 M3। ओके, सो यहाँ पे सारे के सारे फोर्स हमारे इंपोर्ट लोड्स वहां से सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हुए थे और इसमें भी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फुटिंग का डायमेंशन है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो साइज रिक्वायर्ड है वो मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरा एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है कि SB टोटल लोड जो आएगा दैट लोड मल्टीप्लाइड बाय 1.1, दैट मींस 10% में एक्स्ट्रा फॉर सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के लिए कंसिडर कर रहा हूँ वो लोड को। सो दैट डिवाइडेड बाय द SBC, सो मुझे साइज रिक्वायर्ड मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब वो हर एक का लोड्स हमको पता नहीं है, तो हम वो उसके लिए ईटेप्स में जाके चेक कर लेंगे। तो साइज रिक्वायर्ड का मैं एक टेबल डाल दूंगा, ये टेबल में तो एक इंसर्ट करता हूँ कॉलम, यहाँ पे ये वाला कॉलम डिलीट कर देता हूँ, ये साइज रिक्वायर्ड। यहाँ पे बी एंड डी दोनों भी ऐड करना पड़ेगा, एक और टेबल इनपुट करता हूँ, यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे विड्थ बी एंड एल, यहाँ पे साइज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अभी ये रिक्वायर्ड में मुझे फॉर्मूला क्या लगेगा, वो जो मैंने बताया था यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड निकाल देता हूँ, एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड में मतलब मेरा कितना हो जाएगा, लोड इनटू 1.1 बराबर यस सर, डिवाइड डिवाइडेड बाय बाय SBC। SBC। ये मेरा साइज रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर आ गया ना, एरिया रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर। हाँ सर, ठीक है, अभी थोड़ा फटाफट आंसर देना, ये एरिया रिक्वायर्ड मेरा निकल गया, अभी मैं साइज रिक्वायर्ड में विड्थ क्या अज्यूम करूंगा, बिकॉज मेरा तो स्क्वायर कॉलम है ना फर्स्ट वाला, तो है ना फर्स्ट सर एंड थर्ड कॉलम जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए तो मैं स्क्वायर वाला ही लूंगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दूंगा सिंपल। ठीक है, तो हाँ सर, इसका स्क्वायर रूट अगर मैं करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ये 1.11 आया है मुझे, मैं इसको बाद में राउंड ऑफ करूंगा, सेम चीज मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये अभी स्क्वायर रूट किसी और का हो गया है, ये मैं यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, तो ये 1.12 बाय 1.12 ये मेरा साइज रिक्वायर्ड है, तो मैं प्रोवाइड कितना कर दूंगा, 1.2 बाय 1.2, 1200 बाय 1200, 1.5 ना। नहीं ये 1.12 है ना, हाँ यस सर, यस हाइयर। हाँ तो मैं थोड़ा ही राउंड ऑफ करूंगा, बाद में लगा कम पड़ा तो मैं और ज्यादा कर दूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं जो C2 कॉलम है मेरा 300 बाय 600 का है,
वो केस में मुझे रेक्टेंगुलर देना पड़ेगा। तो 300 में अगर मैं 300 300 ऑफसेट गिन लूँ दोनों साइड में, सो मेरा 900 आएगा। तो 0.9 मेरी विड्थ ले लेते हो, मेरी लेंथ कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय दिस, एरिया हाँ डिवाइड सर, बाय वैल्यू। पॉइंट ये मेरी लेंथ आ गई, लेंथ बहुत बड़ी आ गई, तो मैं ये वाला जो डायमेंशन है वो बढ़ा दूंगा, इसको भी मैं 1200 कर दूंगा, और 1200 बाय 2 मीटर। ठीक है, सो ये 1.2 बाय 2.05, तो 2.1 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सेम यही रहेगा मेरा, इधर मेरा 0.88 रिक्वायर्ड है, तो इसको मैं 1 और 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो है C4 C5 C6, ये मेरा 225 का है, तो 225 प्लस 300 प्लस 300 दोनों साइड का ऑफसेट, तो 600 प्लस 225 825। ठीक है, 825 हो गया, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मुझे 2.6 मीटर्स बहुत ज्यादा लग रहा है एरिया रिक्वायर्ड। सो मैं SBC बढ़ा दूं क्या यार, बहुत पहले से ही मुझे जब पता चल रहा है कि इतना एक्स्ट्रा लग रहा है, सो ऐसा लग रहा है मुझे SBC बढ़ाना पड़ेगा, है ना, हाँ सर, क्योंकि ये मैंने अजम्पशन लिया है। आपके पास जो भी वैल्यूज आएगा वो कंसल्टेंट के थ्रू पास होके आएगा, तो मैं यहाँ पे 500 ले लेता हूँ, वो थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो ये अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मेरा नंबर्स राउंड अप हो जाएगा 0.85, सो मैं 900 कर देता हूँ, नहीं 0.825 825 बाय 1.6। ठीक है, यहाँ पे 1.83 का मैंने विड्थ लिया है क्या, नहीं 1 0.825 करना था, मैंने 1.825 कर दिया, 1.92, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, तो 0.825 बाय 2 मीटर्स, ये मेरा 0.825 बाय 0.85 0.825 बाय 0.9। तो ये C7 एंड C8, C7 मेरा 300 बाय 600 का है, तो यहाँ पे मैं 0.9 करता हूँ, तो मेरा ये आ जाता है 1.16। ठीक है, तो 1.16 मतलब 1.2 मीटर्स, 0.9 बाय 1.2, और C8 एंड C9 मेरा है 300 बाय 600, बराबर ना, ये वाला दोनों कॉलम्स जो नीचे वाला है, यस सर, स्क्वायर। ये दोनों 8 एंड 9, ठीक है, रेक्टेंगुलर 300 बाय 600, सो उसको अच्छा मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं 300 बाय 600 है, तो 0.9 ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी 0.9 ऐड करता हूँ, तो लेंथ मेरी ज्यादा आ रही है, तो मैं इसको 1.2 कर देता हूँ, इसको भी 1.2 कर देता हूँ, फिर मेरा ये 1.2 बाय 1.6 और 1.2 बाय 1.9। ठीक है, अभी ये सब डायमेंशंस मैं वहां पे इनपुट करूंगा। अभी ये वाला थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 2 मीटर है और मेरा 600, सो 2 मीटर माइनस 0.6 दिस डिवाइडेड बाय 2, सो 700 मेरा ऑफसेट आएगा अदर डायरेक्शन में, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा बाय 200 mm। जो मैंने 300 का ऑफसेट गिना था वो मैं 400 400 का ऑफसेट कर दूंगा, सो 400 400 का ऑफसेट अगर मैं करता हूँ, तो मेरा ये आएगा 400 प्लस 400 800 प्लस 0.225, कितना आएगा 1.025, 2 मीटर्स आ गया। ठीक है, अच्छा ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे, दोनों को भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1.025,
1.025 यहाँ पे करना था मुझे। अब यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, में ये तो 0.825 चल जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये तो मैं 0.825 ही रखूंगा, यहाँ पे 0.9 रहने देता हूँ, ठीक है। उसको भी मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा बाद में। ये 1.025 किया तो 1.25, यहाँ पे मैं 1.6 करता हूँ और यहाँ पे मैं 1.3 करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ये जो मेरा है वो साइज प्रोवाइडेड मैं वहां पे इनपुट करूंगा, फुटिंग का एरिया प्रोवाइडेड। तो मैं सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर लूंगा ये जो फुटिंग का एरिया था मेरा। सर वो 0.25 देना ठीक है क्या साइट की कंडीशन के हिसाब से? 0.25? हाँ सर। नहीं, ये क्या हो गया, मैंने क्या किया है, ये मेरा कॉलम कितना है? 300 x 600। नहीं, ये 225 का है ना, ये जो ये कॉलम अच्छा है हाँ ये 225 हाँ का है टू मेरा, ट्वेंटी फाइव का है ना। सो ये 225 हाँ का मेरा कॉलम ऑलरेडी है, मैंने 300 इस तरफ ऑफसेट दिया, 300 इस तरफ ऑफसेट दिया, सो मेरा हो गया वो हाँ 0.825। लेकिन अगर मैं यस सर 400 400 ऑफसेट करूँ तो वो हो गया 1.025। 1.0 और हाँ 1025 मींस 25, 1 इंच 25 होता है ना, सो दैट इज परमिसिबल, ऐसा कुछ नहीं है, 25 अच्छा के मल्टीपल में ही है ना, ठीक ठीक है सर। है। सो मैं ये वाली साइजेस अभी सॉफ्टवेयर में इनपुट करूंगा। सो मेरे फर्स्ट कॉलम के लिए कितना है, 1200 by 1200 साइज रिक्वायर्ड है ना, सॉरी ये अभी चेंज हो गया, मैंने चेंज करना है ये टेबल, ये 0.9 by 0.9। तो मैं 1 1 मीटर वाली डाल देता हूँ यहाँ पे, तो वैसे भी ये तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखता हूँ तो मैं 0.5 by 0.7, तो मैं यहाँ पे 0.7 by 0.7 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर रखना है इसको। इसको मैं 900 by 900 करता हूँ, उसके लिए क्या होगा, ये 300 का तो ऑलरेडी है, 900 करना है तो मुझे सिर्फ 300 एक्स्ट्रा चाहिए, तो मुझे सिर्फ 150 का ऑफसेट लग रहा है ये पर्टिकुलर कॉलम में। फिर भी मैं इसको 1200 by 1200 दूंगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम जो ऑफसेट है वो 300 तो रखना है ना मुझे, ठीक है। तो हाँ मैं सर 1.2 by 1.2 कर दूंगा। सिमिलरली वो वाली फुटिंग को भी 1.2 by 1.2 करूंगा, तो मिनिमम जो ऑफसेट है एटलीस्ट उतना तो मैं दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक क्विक ड्रॉ एरिया करूंगा यहाँ पे, रेक्टेंगुलर स्लैब, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में मैं फुटिंग की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूंगा, और जो डायमेंशन रहेगा वो मेरा 1.2 by 1.2 एंटर करूंगा, ये मेरी फुटिंग ड्रॉ हो गई फर्स्ट वाली, है ना। अभी मैं ये सेकेंड फुटिंग ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी है, इसको 1 मीटर by 1 मीटर कर सकते क्या, अब नहीं फिर ऑफसेट कम हो जाएगा, तो इसको भी मैं वही रखता हूँ, ठीक है। अब ये वाली जो फुटिंग है यहाँ पे मेरा डायमेंशन है 1.2 by 2.1, सो 1.2 वर्टिकल में है और 2.1 मेरा हॉरिजॉन्टल में है, तो मैं एक यहाँ पे एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली जो फुटिंग है मेरी वो है 1025 by 1.3, सो 1025 मेरा हॉरिजॉन्टल रहेगा और 1.3 मेरा वर्टिकल रहेगा, है ना। अब ये जो बीच का है वहां पे 1.6 है, तो 1.6 यहाँ पे 1200 by 1.6 और ये 1200 by 1.9, तो ये है मेरा फुटिंग का एरिया जो रिक्वायर्ड मैंने खाली ओनली फ्रॉम एक्सियल लोड रिक्वायरमेंट से जो निकला है, ठीक है। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए, नहीं तो वो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप कुछ डाउट भी पूछोगे तो मेरे पास रहेगा अवेलेबल डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो हमारा सेशन 15 है उसमें सेफ मॉडल में फुटिंग साइज रिक्वायर्ड, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ।
ये सब में मैंने मिनिमम डायमेंशन 300 तो भी मेंटेन रखा है, ठीक है। कहीं पे अगर नहीं होगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये देखो 450 हो गया, मतलब हमने एस्टीमेट, अच्छा ये तो ऑलरेडी साइज रिक्वायर्ड में ही ज्यादा आ रहा था, बट 450 चारों साइड में है ना, और यहाँ पे मेरा जो रिक्वायरमेंट आ रहा था उसके हिसाब से ये 0.75 हो गया, ये 0.45 हो गया। मैं इक्वल ऑफसेट पुटिंग देने का ट्राई करूंगा बाद में, तो इसको मैं चेंज भी कर दूंगा बाद में, जैसे मैं पहले ये सब चेक कर लूंगा साइजिंग में बैठता है क्या, और बाद में मैं इक्वल ऑफसेट दे के देख लूंगा कि अगर मैंने, अच्छा ये सब 450 का कैसे हो गया, ये साइज तो हमने कितना दिया था, 1200 दिया था ना, तो 1200 माइनस 300 इज 0.9/2। हाँ यहाँ पे ये ऑफसेट ज्यादा हो गया, हमको तो सिर्फ 300 का ऑफसेट लेना था, मतलब कितना लेना था, 300 प्लस 300 प्लस 300, 0.9/0.9 उतना फुटिंग देता था तो भी मेरा ये सफिशियंट होता है ना। सो मेरा फुटिंग रिक्वायर्ड में मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ ये मैंने सारे स्लैब ड्रॉ कर लिए फुटिंग के, मतलब फुटिंग का जो प्लान था वो मैंने ड्रॉ कर लिया, सबकी जो साइजेस थी वो मैंने कैसे एस्टिमेट की थी, जो ईटेप से आउटपुट मिला था हमको लोड्स का, तो लोड वर्सेस एसबीसी, लोड डिवाइड बाय एसबीसी से हमने साइज रिक्वायर्ड निकाला, इनिशियल ओनली फॉर एक्सियल लोड, और वो साइजिंग को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सो आई हैव डन विद द प्लान। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा डिफाइन में, पहले सिलेक्ट कर लूंगा बाय प्रॉपर्टीज, स्लैब प्रॉपर्टीज, फुटिंग एज वेल एज दैट स्टिफ मटेरियल, और उनको मैं सॉइल सबग्रेड असाइन कर दूंगा। असाइन में जाके सपोर्ट डेटा में जाके सॉइल प्रॉपर्टीज में जाके ये जो सॉइल प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की थी उसको मैं असाइन कर दूंगा। जैसे मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर के पॉइंट्स दिखते हैं सॉइल के, ठीक है, ये सॉइल रिस्ट्रेंट आ जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं ये असाइन नहीं करूंगा तो मेरा जो फाउंडेशन का जो एनालिसिस और डिजाइन जो होना चाहिए वो होगा ही नहीं, ठीक है। सो ये मैंने असाइन कर दिया। जैसे हम वो ईटेप्स में सुपर स्ट्रक्चर में बॉटम में बेस में हम रिस्ट्रेंट असाइन करते ना, वैसे यहाँ पे सब स्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन में रिस्ट्रेंट हमको देना है, लेकिन ये रिस्ट्रेंट किसका रहेगा, सॉइल सपोर्ट, ठीक है। तो सॉइल सपोर्ट में फिर हमारा ये जो वैल्यू क्या रहेगा वो रहेगा सबग्रेड मॉड्यूलस, ठीक है। तो वो सबग्रेड मॉड्यूलस हमने असाइन कर दिया, प्लान ड्रॉ कर दिया, पर मटेरियल डिफाइन कर दिया, मटेरियल असाइन कर दिया, फुटिंग मैंने डायमेंशंस ड्रॉ कर लिए फुटिंग के, उसके बाद मैंने सॉइल सबग्रेड असाइन कर दिया। अब मैं जाऊंगा रन में ऑटोमेटिक स्लैब मेश ऑप्शन, यहाँ पे जाके मैं ये सिलेक्ट करूंगा अप्रोक्सीमेट मेश साइज, यहाँ पे मैं कर दूंगा 0.3, ठीक है। ये मैंने बताया था कि एफईएम बेस्ड सॉफ्टवेयर में जितना मिनिमम मेश साइज रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम का मतलब ये नहीं कि 0.1 कर दो, तो वो नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। तो 0.3 एक ऑप्टिमाइज वैल्यू है तो वो हम यूज करते हैं, सो उसको मैं असाइन कर दूंगा ओके। उसके बाद वापस जाऊंगा रन में एडवांस मॉडलिंग ऑप्शन में, 2D प्लेट ओनली बोलूंगा, ठीक है, बिकॉज मैं फाउंडेशन में टॉर्शन को अलाउ नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा फाउंडेशन में टॉर्शन आए, ठीक है। सो उसके लिए मैं इसको सिर्फ 2D प्लेट के लिए एनालाइज करूंगा ओके, और के बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया, और मैं अभी क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा रन में और रन एनालिसिस करूंगा। पहले मैं सिर्फ साइजिंग चेक कर रहा हूँ, तो अभी मैं डिजाइन नहीं करूंगा, पहले मैं सिर्फ चेक कर लूंगा साइज रिक्वायर्ड, तो ये जो साइजेस दी है मैंने वो परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और ये सबग्रेड मॉड्यूलस हम चेंज करना भूल गए, बिकॉज जो हमने ये साइजिंग निकाली थी वो हमने एफई सॉरी ये जो एसबीसी का वैल्यू अज्यूम किया था वो वैल्यू कितना था, 500 ना। हाँ सर, नया वाला हाँ, तो मैं सबग्रेड मॉड्यूलस जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा, उसका वैल्यू मुझे बता दो जरा, सबग्रेड मॉड्यूलस का। सर वो 5 × 10^5 है, उसको 50,000 10^4। हाँ वन सर, वो थ्री टू का फाइव हो थ्री गया था। फोर हाँ यही 30,000 का 50,000 हो गया,
ठीक है, ये सब जो मतलब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करो, व्हाट मैटर्स इज बेसिक, बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो। अगर वो आपका परफेक्ट होगा तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। सभी मैं लोड कॉम्बिनेशन में जाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन वन में यानी कि जो वन डेड और वन लाइव है उसके लिए मैं प्रेशर देख लेता हूँ, जो सेटलमेंट का वैल्यू, परमिसिबल सेटलमेंट। अभी देखो परमिसिबल सेटलमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू, ये क्योंकि माइनस वैल्यू है इसलिए हम मैक्सिमम मतलब मिनिमम देखना पड़ेगा यहाँ पे। सो 10.2 मतलब कोई एक पर्टिकुलर फुटिंग में 10.2 आ रहा है, जो कि नहीं है ना। मेरा परमिसिबल कितना है 10, और ये जा रहा है मेरा 10.2, सो वो अलाउ नहीं करूंगा मैं। लेकिन वो कौन से फुटिंग में मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है बिकॉज ये कलर कोडिंग भी दिया हुआ है। जो 10 के आसपास है वो रहेगा रेड कलर में, सो रेड कलर में ये भी है, ये 9.7 है, ये 9.8 है, कट टू कट है ये 9.47, ये तो ओके है, ये वाला है मेरा। तो इसका मुझे साइज बढ़ाना पड़ेगा, इसका भी साइज बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज कट टू कट वाला जो सिचुएशन है वो मैं नहीं रखूंगा यहाँ पे। एटलीस्ट 90% तो भी साइजिंग के लिए मैं रखूंगा थोड़ा, तो कि ये 9 तक आएगा इनिशियल, सो चलेगा मुझे, ठीक है। सो वैसा मैं रखूंगा, या तो फिर 9.5 के लिए रखूंगा। तो इनको मैंने 100 100 mm से मैं बढ़ा देता हूँ ऑफसेट, तो मैं अनलॉक करता हूँ, और ये जो ज्योमेट्रीज थी ये वाली, और इसमें भी था ना 9 point something, सो और इसको तो मुझे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तीनों को तो पहले मैं 100 mm से एक्सपांड कर देता हूँ, एडिट एरियाज में, एक्सपांड श्रिंक एरियाज में जाके 100 mm। ये क्या हो गया, एक ही एज सिलेक्ट हुआ था लगता है, ये सेंटर में क्लिक करना, तो ये देखो वन एज वन एरिया एंड फोर एजेस सिलेक्टेड ऐसा दिखेगा, तभी वो 12 एजेस सिलेक्टेड, अब वो प्रॉपरली एक्सपांड हो जाएगा। तो ये मैं 100 mm से एक्सपांड कर दिया, और यहाँ पे 150 से कर देता हूँ, ओके। अभी मैं एनालाइज करूंगा फिर से, ये सेटलमेंट देखता हूं मैं फॉर सर्विस कॉम्बिनेशन वन, इसके लिए मैं सेटलमेंट देखता हूँ। अभी मेरा 9.33, अभी मेरा सब कुछ सेफ है, इसमें मेरा 7, इसका मतलब मेरा ऑफसेट कुछ ज्यादा ही हो गया, सो उस ऑफसेट को मैं कम कर सकता हूँ। इसमें भी मेरा कुछ ज्यादा हो गया है, इसको भी कम कर सकता हूँ मैं, इनको सबको 50 50 mm से कम कर दूंगा, बिकॉज इतना ज्यादा भी सेफ होना जरूरी नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो इनको मैं 50 50 mm से कम कर दूंगा। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मैं जानबूझ के आपको ये सब करके दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो एग्जैक्ट जो साइजिंग है वो डाल के खत्म कर देता था, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो कि ये ट्रायल एंड इटरेशन करते कैसे, ठीक है। इसको मैं 50 mm से रिड्यूस करता हूँ, और इसको मैं 50 mm से बढ़ा देता हूँ, 25 से बढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है ओके। और इसको भी मैं रिड्यूस करता हूँ बाय 50 mm, इसको मैं 75 से रिड्यूस करूंगा। अभी मैं देख लेता हूँ एनालाइज करके, अभी हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, डिजाइन नहीं कर रहे, तो अभी देख लेते हैं हम एनालिसिस में सर्विस कॉम्बिनेशन वन में, ठीक है। ये मेरा आ गया 9 के आसपास, ठीक है, जो कि मेरा इसमें आ रहा है, बाकी मेरा ये 7.8, और ये भी 8, ये भी 8, 8, 8, और ये 5 और 5, ठीक है। तो अब इसमें रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज इसमें ऑलरेडी हमने मिनिमम डायमेंशन लिया है, इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ, तो इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा। ये जो ऑफसेट था मेरा वो कितना था, डायमेंशन लाइंस में ऑन कर देता हूँ, ये जो ऑफसेट था मेरा 750 750 था, तो उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा बाय
ये डायमेंशन लाइंस में ऑफ कर देता हूँ, ये एज सिलेक्ट हो गया, ये भी एज सिलेक्ट हो गया, इन दोनों को मैं रिड्यूस करता हूँ बाय 150 mm या 75, नहीं 100 mm से कर देता हूँ, 150 से कर देता हूँ, 750 के जगह पे 600 600 हो जाएगा। अब मैं एनालाइज करता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा ये इक्वल ऑफसेट वाला फुटिंग बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं वापस चेक कर लेता हूँ। अभी देखो कि एनवलप मैंने क्यों डिफाइन किया, वो पता चलेगा अभी आपको। ठीक है, ये अभी आ गया है ऑलमोस्ट 6 के आसपास, तो ठीक है, मतलब उससे ज्यादा हम कम नहीं करेंगे, और करना चाहे तो इसको कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि हमारे पास मार्जिन है इसमें, बट हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज सिर्फ इटरेशन बढ़ रहा है। अभी मैं देखो एनवलप मैंने कैसे किया था, ये तो मेरा सब फुटिंग हो गया। ओके, अभी मैं एनवलप पे देखता हूँ। सो एनवलप में जाके, सर्विस एनवलप में जाके यहाँ पे मैं मिनिमम सिलेक्ट करूंगा। पहले तो मैं मैक्सिमम में देख लूंगा किसी में अपलिफ्ट आ रहा है क्या कोई पर्टिकुलर फुटिंग में। तो यहाँ पे देखो 0.57, ये फुटिंग में अपलिफ्ट आ रहा है, तो ठीक है मैं इसका वैसे भी डायमेंशन ये कम ही कर देता हूँ, ऑफसेटिंग फुटिंग इसमें वो भी आ रहा है अपलिफ्ट भी, तो वो मैं ऑफसेट ही कम कर देता हूँ इसका। पर्टिकुलर ऑफसेट जो है वो 450 है, तो यहाँ पे अभी 600 हो चुका है, वो 600 हो चुका है, तो ये 600 को मैं कम कर दूंगा और भी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 50 50 mm निकाल देता हूँ, 450 का इक्वल ऑफसेट रख देता हूँ मैं। सो यहाँ से 150 mm रिड्यूस कर देता हूँ और, है ना। सो ये डायमेंशन लाइन में ऑफ कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करूंगा 150 से रिड्यूस कर दूंगा। अगर अदर डायरेक्शन में नहीं रिक्वायर्ड होगा तो वो हम बाद में देख लेंगे, अभी अभी मुझे लगता है कि वो ऑप्टिमाइज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 के आसपास चला गया है। अब ये मैं सर्विस एनवलप देख लेता हूँ मैक्सिमम वाला, तो मेरा ऑफसेट यहाँ पे और बढ़ गया है, मतलब जितना मैंने ऑफसेट उल्टा कम किया है तो यहाँ पे मेरा वो जो सेटलमेंट है वो बढ़ गया है। बट ये जो सेटलमेंट है मैं 10% तक अलाउ कर सकता हूँ, सो जो कि मेरा अभी आ रहा है 1.57, तो जो मैंने ऑफसेट बढ़ा ही देना है, बिकॉज मुझे जितना मैं वेट बढ़ाऊंगा वो अपलिफ्ट थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं इसका ये ऑफसेट बढ़ा दूंगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑफसेट में बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये अपलिफ्ट को निकालने के लिए, सो इसको मैं वापस वही कर देता हूँ, एक्सपांड कर देता हूँ, बाय ये कितना हो गया 450, सो बाय 50 mm, 150 mm, और यहां से मैं 50 mm निकाल देता हूँ, 500 कर देंगे, और इसको मैं कर देता हूँ 25 mm से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, भले ही अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन क्योंकि अपलिफ्ट है तो अपलिफ्ट को मुझे निकालना है, तो उसके लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया है। सो ये 0.29, मतलब ठीक है इतना तो मैं परमिट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 0.58, जो कि मैंने बोला ना कि 10% हम अलाउ कर देंगे अपलिफ्ट, उससे ज्यादा नहीं, तो 10% विच इज ओके। अभी यहाँ पे मैं सॉइल प्रेशर देख मैक्सिमम देख लेता हूँ। अब ये देखो जो परमिसिबल लिमिट है ना सेटलमेंट का 10 mm, वो है हमारा इन डेड एंड लाइव, ठीक है, ग्रेविटी लोडिंग के लिए। बट फॉर अर्थक्वेक एंड विंड वो वैल्यूज दिया था, देखो उस दिन मैंने बताया था आरसीडीसी में, और आईएस कोड में भी दिया हुआ ये, अगर मेरा रॉक रॉक होगा ना, सॉइल सॉइल टाइप 1 होगा, हार्ड रॉक, तो
तो वो केस में मैं 50% से इंक्रीज कर सकता हूँ एसबीसी को और सेटलमेंट को, परमिसिबल वैल्यूज को, ठीक है। और मेरा अगर मेरा ये मीडियम सॉइल होगा तो 25% से बढ़ा सकता हूँ, और अगर मेरा सॉफ्ट सॉइल होगा तो मैं 0% कुछ भी नहीं बढ़ा सकता। मतलब मुझे वो उस टाइम पे जो विंड एंड डेड लोड के साथ जो विंड लोड कंबाइन होगा या अर्थक्वेक लोड जो कंबाइन होगा, वो पर्टिकुलर कॉम्बोज में भी मुझे वो जो परमिसिबल वैल्यू है उसके अंडर रखना पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे, मेरे पास 25% का फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं बढ़ा सकता हूँ, सो मैं 10 की, अगर जो मेरा परमिसिबल सेटलमेंट वैल्यू है वो है 10, ठीक है। सो इसको अगर मैं 25% से बढ़ाता हूँ इनको, तो मेरा परमिसिबल वैल्यू आ जाता है 12.5 फॉर अर्थक्वेक एंड विंड। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, मैक्सिमम 12 है ना, जो कि 12.5 से कम है। तो इसका मतलब मेरा ये सेटलमेंट में ओके है फाउंडेशन। अभी मैं सॉइल प्रेशर देख लेता हूँ, तो सॉइल प्रेशर के लिए यहाँ पे है, यहाँ से भी जा सकते हैं डिस्प्ले में जाके शो रिएक्शन फोर्सेस, यहाँ पे जाके सॉइल प्रेशर पे क्लिक करूंगा, कॉम्बिनेशन में सर्विस कॉम वन, ठीक है, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा जो मैक्सिमम जो सॉइल प्रेशर था, परमिसिबल एसबीसी जो था मेरा, वो था 500, सो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है 453 विच इज इन दिस, और बाकी सब जगह ओके है। अभी मैं देख लेता हूँ अपलिफ्ट सर्विस एनल ऑफ मैक्स, ठीक है, अपलिफ्ट के लिए यहाँ पे देखना है, तो अपलिफ्ट है 29 का और मेरी एसबीसी है 500 की, तो 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक अलाउ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा 29 आ रहा है ये पर्टिकुलर फुटिंग में, बाकी यहाँ पे मेरा 10 आ रहा है, सो विच इज ओके, मैं इतना तो परमिट कर सकता हूँ, ठीक है। और अभी मैं देखूंगा मिनिमम, तो मेरा जो मैक्सिमम सॉइल प्रेशर है फॉर अर्थक्वेक एंड विंड लोड कॉम्बिनेशन अलोंग विद डेड एंड लाइव, सो ये आ रहा है 600। मेरा परमिसिबल वैल्यू कितना है यहाँ पे फॉर अर्थक्वेक एंड विंड, 500 × 1.25, 625, और मेरा आ रहा है 600 विच इज ओके। मतलब अभी मेरा साइजिंग ओके हो गया है फाउंडेशंस का, ठीक है, समझ में आया कैसे किया मैंने ऑप्टिमाइजेशन, हाँ सर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, मतलब फाउंडेशन की ऑप्टिमाइजेशन, ये देखो इनिशियल साइजिंग हमने किससे निकाला था, नॉर्मल ओनली एक्सियल लोड से, और ये जो फुटिंग्स है वो सब बाय एक्सियल वाली है बिकॉज इनमें मोमेंट्स भी आया है बॉटम में, सो इसके लिए उसकी साइजिंग थोड़ी अलग होती है। तो इनिशियल हम क्या करेंगे, ओनली एक्सियल लोड के लिए जो साइजिंग आ रही है एटलीस्ट उतना तो प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस की अगर मेरा सेटलमेंट परमिसिबल वैल्यू के अंडर है तो साइज ओके है, एज वेल एज मेरा सॉइल प्रेशर परमिसिबल वैल्यू के अंडर है तो मेरा साइज ओके है, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि वहां पे मेरा अपलिफ्ट नहीं है। तो अपलिफ्ट कैसे चेक करना है, एनवलप में जाके ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसमें देखना है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है क्या। तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे दिखती है, बट वो पॉजिटिव वैल्यू अगर 10% तक है, 10% ऑफ परमिसिबल वैल्यू उसके अंडर है तो ठीक है, उसके अबव रहेगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा फॉर नॉन लिनियर लोड केसेस, ठीक है, फिर मुझे वो जो लोड केसेस है उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन नॉन लिनियर लोड केसेस और नॉन लिनियर लोड कॉम्बोस, ठीक है, और उसके लिए साइजिंग चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है, उसको मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ जो फुटिंग का वेट है उसको इंक्रीज करके, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने बताया था थिकनेस भी, ये अपलिफ्ट के केस में थिकनेस भी काम करेगी बिकॉज सेल्फ वेट तो फुटिंग का थिकनेस से भी बढ़ेगा, ठीक है, सो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं मिनिमम मींस, क्योंकि ये सब नेगेटिव वैल्यूज है इसीलिए मिनिमम मींस मैक्सिमम हो जाता है आपका, सो अभी मिनिमम में जाके मैं एक्चुअल जो एनवलप मींस, अब अर्थक्वेक और विंड के लिए जो परमिसेबल वैल्यू है उसके अंडर मुझे ये रेंज को रखना है, सो जो कि मेरा 12.5 परमिसेबल है और यहाँ पे आ रहा है मेरा 12, सो विच इज ओके, ठीक है। सो ये मेरा साइजिंग फिक्स हो गया, अभी डायमेंशन का जो फुटिंग का डायमेंशन है वो फिक्स हो गया। अभी मैं डिजाइन करूंगा, तो डिजाइन करने के लिए पहले मैं यहाँ पे मैं रिइंफोर्समेंट के लेयर्स इनपुट करूंगा, ठीक है, रिइंफोर्समेंट इन पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन एंड रिइंफोर्समेंट पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, ये दोनों मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन डिजाइन स्ट्रिप्स कैसे ड्रॉ किया था, यहाँ से ड्रॉ में जाके डिजाइन स्ट्रिप्स में जाके
फिर लेयर ए को मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया और लेयर बी को वर्टिकल स्ट्रिप दिया, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप को लेयर बी अज्यूम किया एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को लेयर ए अज्यूम किया, और फिर अकॉर्डिंग टू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने उनका ऑफसेट्स यहाँ पे जो विड्थ है विड्थ वो असाइन किया, और फिर इसमें मैंने ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रिप्स मीन्स क्या है, रिइंफोर्समेंट की लेयर्स है आपकी, ठीक है। सो मैं अभी इसको एनालिसिस एंड डिजाइन कर दूंगा और फिर मैं अभी इसमें रिइंफोर्समेंट चेक करूंगा। अब मैं साइजिंग चेक नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने साइजिंग पहले ही चेक कर ली हुई है और वो फ्रीज कर दी थी मैंने। सो अब मैं डायरेक्ट रिइंफोर्समेंट चेक करूंगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाके शो स्लैब डिजाइन, इस पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके इम्पोज मिनिमम रिइंफोर्सिंग, ये मतलब 0.12 वाला जो क्लॉज है वो अप्लाई कर देगा। अगर मिनिमम से कम रिक्वायर्ड है तो मिनिमम दिखाएगा और मिनिमम से ज्यादा रिक्वायर्ड है तो वो वाला दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन बेसिस में स्ट्रिप बेस्ड रखता हूँ ऑप्शन, और रिबार लोकेशन में यहाँ पे मैं पहले बॉटम का ही देख लेता हूँ रिइंफोर्समेंट, ठीक है। सो अब पहले हॉरिजॉन्टल लेयर देख लेता हूँ, बॉटम में भी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज देख लेता हूँ मैं। सो ये मेरा रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है 622, 2911, 2011, 488, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूंगा, वन बाय वन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दूंगा पहले। तो उसके लिए यहाँ पे जाऊंगा टिपिकल यूनिफॉर्म रिइंफोर्सिंग एज स्पेसिफाइड बिलो, और यहाँ पे मैं वो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा। बॉटम में मैं क्या कर दूंगा, 12 16 डाया प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 16 डाया एट 175 या 150 ये मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और टॉप में मैं 10 का रख दूंगा, 10 at 150, और मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो मेरा ये 16 at 150 में ये सारा फुटिंग बैठ गया है, सिर्फ ये वाला जो फुटिंग है वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, वो है 670। तो 670 मीन्स मुझे यहाँ पे 12 का डाया और ऐड करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिफाइन बाय एरिया एंड बार स्पेसिंग, इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जो मेरा एरिया होगा वो 16 प्लस 12, तो मतलब 201 प्लस 113 ना, यही है ना एरिया, 20 20 वाले हाँ में सर, बैठ जाता है। या तो मैं ट्वेंटी 20 at 150 कर दूंगा या तो फिर 16 प्लस 12, तो दो लेयर तो दूंगा नहीं क्योंकि 300 की थिकनेस है, तो मैं डायरेक्ट 20 कर दूंगा यहाँ पे जाके, 20 at 150। सो ये फुटिंग के लिए मेरी जो लेयर ए होगी वो 20 at 150 होगी, बाकी सब फुटिंग के लिए मेरी 16 at 150 होगी, है ना। हाँ इवन सर, मैं और हाँ भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, 12 at 150 में भी मेरी ये फुटिंग पास हो रही है, ये फुटिंग पास हो रही है, ये वाली फुटिंग पास हो रही है, ये वाली फुटिंग पास हो रही है। तो ये चारों फुटिंग में मैं 12 at 150 दे सकता हूँ, ये बाकी के चारों फुटिंग में मैं 16 at 150 दे सकता हूँ, और ये वाली फुटिंग में 20 at 150 दूंगा, ठीक है। हाँ सर, तो ये हो गया मेरा बॉटम का लेयर ए। अभी मैं बॉटम का लेयर बी देखता हूँ, ठीक है। लेयर बी में 12 at 150 देता हूँ, तो मेरा ये फुटिंग पास है, ये फुटिंग पास है, बाकी ये एक्स्ट्रा दिखा रहे रिइंफोर्समेंट। सो इन दोनों को तो मैं 12 at 150 बोथ वेज डाल के छोड़ दूंगा, ठीक है, जो ये छोटे वाले फुटिंग से मेरे, बिकॉज इसमें मेरा लेयर ए में भी 12 at 150 में बैठ रहा है और लेयर बी में भी 12 at 150 में बैठ रहा है, ठीक है। अभी मैं ये वाली फुटिंग देखता हूँ बाकी के, जिसमें मेरा 16 at 150 आ रहा था, ये चार फुटिंग में प्लस ये दोनों फुटिंग में 12 at 150 हॉरिजॉन्टल में बैठ रहा था, बट वर्टिकल में 16 150 करना पड़ेगा मुझे। सो मैं अप्लाई करता हूँ, सो ये मेरा 16 at 150 में बैठ गया। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 12 at 150 आएगा, और सॉरी हाँ 12 at 150 आएगा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल 16 at 150 आएगा। तो ये फुटिंग बैठ गई मेरी, ये 12 150 बोथ वेज में बैठ गई, ये 12 150 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 16 150 में बैठ गई फुटिंग, ठीक है। अब बचती है मेरी ये वाली, ये मेरी हॉरिजॉन्टल 16 150 में बैठ गई थी, बट वर्टिकल ये चारों फुटिंग, बट वर्टिकल में अभी इन चारों में एक्स्ट्रा दिखा रहा है। यहाँ पे देखो ये बैठ गया है 16 150 में। सो इसमें हॉरिजॉन्टल 20 at 150 है और वर्टिकल 16 150 में बैठ चुका है ये, ठीक है। तो ये भी मेरी पास हो गई,
अभी ये चारों फुटिंग बढ़ती है, जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल में 16x150 स्टील डाला था, अभी मैं वर्टिकल में इसका 20x150 कर देता हूँ, तो मेरी ये तीन फुटिंग तो बैठ गई। अभी ये सिर्फ लास्ट वाली बची है, इसमें मैं 25 का डाया डाल दूंगा, 25x150। सो इसमें मेरी हॉरिजॉन्टल कितनी है रिइंफोर्समेंट ये वाली फुटिंग में? ये वाली फुटिंग में मेरी हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट कितनी है? 16x150 ना, ये देखो। हाँ सर, लेकिन वर्टिकल कितनी लग रही है मुझे यहाँ पे? 25x150। तो ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फुटिंग के लिए मैं इसलिए नंबर जो दिया था FC1, FC2, FC3, FC4, ये सब नंबर्स के हिसाब से आप क्या करोगे वन बाय वन, ऐसे सबको एक साथ देखोगे तो पागल हो जाओगे। तो उससे अच्छा क्या करोगे, FC1 पहले देख लो कि FC1 में क्या लगता है, तो दोनों डायरेक्शन का। ठीक है, तो मैंने लेयर ए लेयर बी दोनों, पहले लेयर ए ऑन किया और उसके लिए 12x150 से मैंने स्टार्ट किया, सो मेरा वो बैठ रहा है। फिर मैंने लेयर बी दिया 12x150 में, मेरा वो दोनों बैठ रहे, तो FC1 और FC3 तो मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब लेयर ए की यहाँ पे बात करूं तो मैं 12x150 में मेरा ये दोनों फुटिंग भी बैठ गया, बट लेयर बी में यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, सो मैंने इसको 16x150 किया, जिसमें मेरा ये दोनों बैठ गया, तो इन दोनों को मैंने साइड में कर दिया। फिर बचता है मेरा ये वाले चार फुटिंग्स, और उसमें से मेरा 16x150 में ये भी बैठ गया, तो इसको भी मैंने ओके बोल दिया, बट लेयर ए में मेरा वो जो FC2 वाला फुटिंग है इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसको मैंने 28x150 किया जो कि बैठ गया। तो 28x150 और 16x150 में ये बैठ गया। अब लेयर ए में बाकी सब में तो ओके ही है। ठीक है, और ये सारी फुटिंग मेरी 16x150 हॉरिजॉन्टल में बैठ चुकी है ऑलरेडी, हॉरिजॉन्टल सॉरी लेयर ए। ठीक है, अब लेयर बी में देखता हूँ, तो लेयर बी में मेरा ये फुटिंग्स बैठता नहीं है, ये मेरा ऑलरेडी पास हो गया, ये 16x150 में पास हुआ, ये 16x150 में पास हुआ, और ये भी 16x150 में, लेकिन ये चारों फुटिंग बच गई है, तो ये चारों फुटिंग को मैंने 28x150 किया, उसमें से मेरी ये तीन फुटिंग पास हो गई। फिर मेरा ये फुटिंग बचा जिसमें मेरा हॉरिजॉन्टल 16x150 में बैठ चुका था वो। अब वर्टिकल देखता हूँ मैं, तो वर्टिकल में मेरा वो 28x150 में भी नहीं बैठ रहा है, तो मैं 25x150 कर दूंगा जो कि मेरा बैठ गया। ठीक है, सो ये इस तरीके से हमने बॉटम स्टील खत्म कर दिया। अभी टॉप स्टील देखता हूँ, हालांकि ये 300 mm की थिकनेस है, तो टॉप स्टील आएगा ही नहीं, तो मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, फिर भी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जहां पे मेरा डेप्थ 400 या 500 अबव 600 होगा, मोर देन 600, ठीक है 700 या 750 या 1000, तो वो केस में मैं टॉप रिइंफोर्समेंट दूंगा। सो उस वो केस में मैं चेक कैसे करूंगा, सेम टॉप रीबार पे सिलेक्ट करूंगा, लेयर ए वन बाय वन देखूंगा, 10x150 में डाल रहा हूँ तो मेरा सब पास है, लेयर बी में भी देख लूंगा मेरा 10x, क्योंकि अभी ये आइसोलेटेड फुटिंग है और 300 थिकनेस है, इसलिए टॉप रीबार लगेगा भी नहीं, तो ये जो 10x150 है वो भी मिनिमम वाला ही है, उसको डालने की गरज नहीं है, बट चेक कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ओके, समझ गए? यस सर। हाँ सर, ये वापस बताना है क्या रिइंफोर्समेंट कैसे देखा है हमने? नहीं सर, समझ गए। हेमल समझ गया सर, वो बराबर ना। यहाँ से क्या करना, देखो चार डायरेक्शन है आपके पास, बॉटम लेयर ए लेयर बी, टॉप लेयर ए लेयर बी, उसमें से अगर आइसोलेटेड फुटिंग होगा तो टॉप देखने का जरूरत नहीं है, बिलो 700 थिकनेस मतलब 600 थिकनेस से कम होगा या 600 होगा तो वहां तक देखने की जरूरत नहीं है, जब वो 750 या जैसे वो ये था ना बीम का डेप्थ 750 से ज्यादा होता है तो साइड फेस डालते हो, वैसे यहाँ पे एक्चुअल तो ये है कि 1000 mm थिकनेस हो जाएगा तभी आपको टॉप स्टील डालना है, बट हम क्या करते हैं कि 600 से ऊपर भी गया तो भी डाल देते हैं टॉप स्टील, थोड़ा मिनिमम 50% ऑफ बॉटम स्टील उतना डाल देते हैं, यानी कि अगर मिनिमम 0.12 है तो उसका आधा डाल देंगे, 0.06% इन वन डायरेक्शन। ठीक है, सो वैसे करके हम टॉप स्टील डालेंगे, बट फॉर फुटिंग्स ग्रेटर देन 600 mm थिकनेस, बाकी के लिए नहीं देखेंगे, तो हम सिर्फ बॉटम में जाएंगे, लेयर ए में जाएंगे, और यहाँ पे मिनिमम जो बार है परमिसेबल वो 12x150 से हम स्टार्ट करेंगे,
और उसमें मेरा ये फुटिंग बैठ गया, ये फुटिंग बैठ गया, ये भी फुटिंग बैठ गया और ये भी फुटिंग बैठ गया, तो मैंने नंबर्स नोट डाउन कर दिया। फिर मैंने उन वही फुटिंग्स में 12150 में वर्टिकल देख लिया, तो ये दो फुटिंग मेरी बंद हो गई। सो इन दोनों को मैं बंद कर, मतलब अब नहीं देखूंगा इनका, मैंने दोनों लेयर का रिइंफोर्समेंट लिख दिया। फिर मैं अभी बाकी के जो फुटिंग्स है उनके लिए देखता हूँ। अभी उसमें से मेरी ये दो फुटिंग तो पास हो गई थी 12150 हॉरिजॉन्टल में। सो पहले मैं इनको ही देख लेता हूँ वर्टिकल कितने में पास होता है। सो वर्टिकल पास हो रहा है 16150 में। सो मैं इसको भी नेगलेक्ट कर दूंगा। उसमें से मेरी ये वाली फुटिंग लकीली पास हो गई है 16150 में। सो अभी मैं इसके लिए हॉरिजॉन्टल वाला देख लूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल में कितने में पास हो रही है। सो मैंने इसको 20 कर दिया, सो वो 20 में पास हो गई। तो मैं इसका रिइंफोर्समेंट दोनों डिसाइड हो गया, तो उसको मैं नहीं देखूंगा। अभी मैं बचा ये चारों, ये चारों में मैं 16150 अगर करता हूँ लेयर ए में, तो मेरी चारों पास हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट फिक्स हो गया ये चारों का, लेकिन वर्टिकल का, सो वर्टिकल में पास नहीं हो रहा है। तो वर्टिकल में मैं 28150 करता हूँ, उसमें मेरी ये तीन फुटिंग पास होगी। तो अभी सिर्फ बचता है मेरा ये, जिसमें हॉरिजॉन्टल 16150 था लेकिन वर्टिकल 20 में भी नहीं पास हो रहा है। सो मैं 25 कर देता हूँ इसको, ठीक है, जो कि बैठ गया। तो ऐसे हम रिइंफोर्समेंट देखते हैं। इसमें कैसे देखना है, डिस्प्ले में जाके शो स्लैब डिजाइन में जाके यहाँ पे डिजाइन बेसिस पे स्ट्रिप बेस रखना है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट चेक करना है, और यहाँ पे रीबार लोकेशन देखना है, स्ट्रिप का लेयर्स देखना है, यहाँ पे शो वैल्यूज एट कंट्रोलिंग स्टेशन देखना है, तो वहां पे आपको वैल्यूज दिखेगा रिइंफोर्समेंट का। यहाँ पे आके टिपिकल यूनिफॉर्म रिइंफोर्समेंट एज स्पेसिफाइड बिलो, और यहाँ पे आके आपको डिफाइन बाय बार साइज एंड बार स्पेसिंग, सो ये इनपुट करना है। और एक जैसे जैसे आप रिइंफोर्समेंट फीड करोगे तो वहां पे आपको देखते जाना है। और अभी उसके बाद हम ये फुटिंग को चेक करेंगे फॉर वन वे शियर एंड टू वे शियर, ठीक है। तो वन वे शियर टू वे शियर के लिए कैसे अचानक हेलो आवाज आ रही है? इंटरनेट हाँ सर का कुछ इशू हुआ था लगता है ये। हाँ सर ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस। हाँ, तो स्ट्रिप फोर्सेस में जाके मैं डेड एंड लाइव के लिए ही देख लेता हूँ। सर्विस कॉम्बिनेशन वन के लिए शियर फोर्स अप्लाई, अब यहाँ पे वैल्यूज भी कर देता हूँ, शो वैल्यूज, ठीक है। अब जिसका ऑफसेट मेरा डी डिस्टेंस से कम है, अभी यहाँ पे मेरी थिकनेस 300 थी और मेरा ऑफसेट भी 300 था ना, तो ये इसमें तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है ना, बराबर ना, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा ऑफसेट था 600 mm, ठीक है, बट 600 mm में जो मेरी डेप्थ है वो 300 है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, ये जो कोऑर्डिनेट है मेरा 4.76 एक्स कोऑर्डिनेट, बॉटम राइट में देखो कोऑर्डिनेट दिख रहा है एक्स वाई, तो वहां पे 4.76 है। सो यहाँ से 300 mm में यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, जो कि मेरा 100 mm पे ही वो वैल्यू कम हो गया है। सो ये मेरा है VU, ठीक है, और ये VU डिवाइड बाय B इंटू D करूंगा। B क्या हो जाएगा मेरा, ये स्ट्रिप का विड्थ। सो ये बी डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ, सो VU बाय B इंटू D, तो वो टाउ ही मिलेगा। और टाउ सी आप पता है ना, आपने रिइंफोर्समेंट तो निकाल लिया अभी, सो PT परसेंटेज और कॉन्क्रीट रेट से टाउ सी आप निकाल सकते हो, और फिर आप कंपेयर करोगे टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, देन ओके। अगर नहीं है तो फिर आपको डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। अगर डेप्थ बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है तो आपको इसमें शियर इन्फोर्समेंट देना पड़ेगा, ठीक है। बट आइसोलेटेड फुटिंग में शियर इन्फोर्समेंट देना थोड़ा कंजेशन हो जाएगा, सो बेटर होगा कि आप डेप्थ बढ़ा दो और फिर ये व्यू को कम कर दो, ठीक है। समझ यस सर गए ना वन वे शियर कैसे देखना है? हाँ और वन वे शियर हम डी डिस्टेंस पे देखते हैं। सो वो अकॉर्डिंगली वो डिस्टेंस पे जाके फोर्स का वैल्यू देख लेना बस, और कुछ नहीं करना। सो ये हो गया फॉर लेयर ए। लेयर बी के लिए भी सेम ये वैल्यू देखना है आपको।
ये डिस्टेंस से आप जाओगे 300 mm ऊपर जाओगे तो वो जो वैल्यू आ रहा है वो आपका व्यू हो जाएगा, और वो व्यू को आप चेक करोगे व्यू बाय बीडी करके, टाउ भी निकालोगे और फिर टाउ सी से चेक करोगे। या तो फिर उल्टा भी कर सकते हो, एक जो रिन्फोर्समेंट है टिपिकल जो भी आ रहा है हर एक में पीटी परसेंटेज, जो सबसे लोएस्ट वाला पीटी परसेंटेज है, या तो फिर फुटिंग बाय फुटिंग आप पीटी परसेंटेज निकाल के रखो, टाउ सी निकाल के रखो, टाउ सी इंटू बीडी करके रखो, तो आपके पास वीसी परमिसिबल रहेगा। आप डायरेक्ट वीयू से वीसी कंपेयर कर लो, वो भी इजी, वो भी दूसरा तरीका है। ठीक है, अब पंचिंग शियर चेक करना है, तो पंचिंग शियर चेक करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो शो पंचिंग शियर डिजाइन। सो यहाँ पे ये देखो, ये पंचिंग में फेल हो गया है 1.06, ये रेशियो 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है पहले डिजाइन में पंचिंग शियर चेक ओवरराइड्स, और यहाँ पे जो प्रोग्राम डिटरमाइंड है वहां पे ये जो लोकेशन है वो, ये कॉलम कौन सा है, इंटीरियर कॉलम है ना, है ना, ये देखो यहाँ पे दिखाता है वो सी टूल टिप में, जैसे क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा इंटीरियर कॉलम कौन सा है, एज कॉलम कौन सा है, कॉर्नर कॉलम कौन सा है। ठीक है, सो ये मेरा कौन सा कॉलम है इंटीरियर, क्योंकि ये चारों साइड से इक्वल्स मतलब सेंटर में लोकेटेड है ना कॉलम मेरा, सो ये मेरा इंटीरियर कॉलम है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑटो में स्पेसिफ, ऑटो की जगह पे मैं करूंगा स्पेसिफाइड बाय पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर को मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाके सपोर्ट एंड लोड साइज। ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ में स्पेसिफाइड में जाके इफेक्टिव डेप्थ में सबका असाइन कर दूंगा, ये मेरा 250 है ना बराबर ना, क्योंकि मेरा 300 टोटल डेप्थ है, तो मेरा इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा 225, सॉरी 300 माइनस 50 माइनस जो मैक्सिमम बार आया है 16, 16 में से 20 का जो मैक्सिमम आया है तो 20 का आधा हो गया 10, सो 10 आ जाएगा मेरा, बट मेरे बोथ डायरेक्शन में रिन्फोर्समेंट जा रहे हैं तो मेरा जो आएगा वो वैल्यू 70 mm माइनस हो जाएगा, सो 230 mm मेरा इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऑटो ही कर दूंगा पेरीमीटर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीरियर सिलेक्ट कर दिया है तो वो डिटरमाइन करेगा बेस्ड ऑन दिस इफेक्टिव डेप्थ वैल्यू। ओके, और ओपनिंग है क्या, नहीं तो वो ऑटो ही रखूंगा और ओके बोल दूंगा, और अभी मैं यहाँ पे जाके पंचिंग शियर डिजाइन पहले डिजाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये पंचिंग शियर चेक करूंगा, सो मेरा ये देखो ये फुटिंग पंचिंग में जा रहा है बिकॉज ये रेशियो मेरा कितना आ गया 1.06। अब ये जैसे सर्कल दिखता है ना रेड कलर का, उस पर राइट क्लिक करोगे, ये सर्कल पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा टेबल दिखाएगा कैलकुलेशन का, उसने पंचिंग शियर कैसे चेक किया है, ये उसने एवरेज थिकनेस इफेक्टिव थिकनेस लिया है 234। ठीक है, कवर आ गया 66 mm, जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है उसके हिसाब से ये इफेक्टिव पंचिंग पैरामीटर आ गई आपकी डी बाई टू डिस्टेंस पे, चारों साइड पे जो ऑफसेट मार के जो पंचिंग पैरामीटर आ गई वो आपको दिखा दिया इसने और कैलकुलेट किया है। ठीक है, सो ये अभी फेल हो रहा है, परमिसिबल और कैपेसिटी में ये एक्सीड हो रहा है, तो इसको आपको डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, ये तो ओके है, इसको भी डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, सिमिलरली मैं सबका ही डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज, और ये जो जो वॉल एलिमेंट है वो केस में ये शो नहीं करता है। ठीक है, कैलकुलेशन तो उसके केस में आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो वीयू है कॉलम का जो बॉटम मोस्ट लोड आया था ना जो हमने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, सो इसको आप समझ लो कि वो व्यू है, क्योंकि मैक्सिमम लोड तो वही होगा ना फुटिंग पे, सो वो व्यू हो गया आपका, और वो व्यू बाय पंचिंग पेरीमीटर इनटू डी व्यू बाय बीडी करोगे तो आपको टाउ भी मिलेगा, और फिर टाउ सी से आप कंपेयर करोगे, सो इनका डेप्थ बढ़ाना है फॉर पंचिंग, तो मैं यहाँ पे जाके डेप्थ बढ़ा दूंगा डिफाइन में जाके स्लैब थिकनेस में जाके, इसकी थिकनेस में वैसे भी मेरा ये 400 में पास होता है, तो मैं यहाँ पे ये 400 कर दूंगा। समझ में आया?
हमने वो जो देखा था सब देख लिया, हमने रिइंफोर्समेंट देख लिया, तो साइज फिक्स कर दिया, डायमेंशन फिक्स कर दिया, सब कुछ असाइन कर दिया, लेकिन वन वे शियर भी पास हो गया लेकिन टू वे शियर में फेल हो गया। तो ये जो डेप्थ डिसाइड हो गई वो किससे हो गई? वैसे भी हम लोग जो मैनुअली एग्जांपल करते हैं उसमें हम डेप्थ किससे डिसाइड करते हैं? आइदर बाय वन वे शियर और आइदर बाय टू वे शियर। लेकिन जो गवर्निंग आता है लोड, जो गवर्निंग कॉम्बिनेशन आता है, जो डेप्थ आती है गवर्निंग, वो बाय टू वे शियर ही गवर्न होती है ना? हाँ सो इसीलिए यहाँ पे भी वही केस हुआ। हमने डेप्थ बढ़ा दिया। अब जैसे ही मैंने डेप्थ बढ़ा दिया ना, तो मेरा वो चीज तो बैठ जाएगा, ये देखो वो तो बैठ गया, फिर भी ये है, ये दो फुटिंग का मुझे डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये इसमें एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब इसके जो सिमिलर लोड कॉम्बिनेशन लोड्स रहेंगे कॉलम वाले, उनको भी मैं बढ़ा दूंगा और उनका मैं डेप्थ 500 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन में जाके स्लैब प्रॉपर्टी में जाके एड कॉपी प्रॉपर्टी करता हूँ और फुटिंग 500 डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे हम साइजिंग डिटरमाइन करते हैं, और ये फिर असाइन में जाके स्लैब डेटा में जाके प्रॉपर्टीज में जाके, ये देखो 7 फुटिंग मैंने सिलेक्ट की हुई है यहाँ पे, 7 एरियाज एंड 28 एजेस। तो ये मैं फुटिंग में गया और ओके कर दिया। अब मैं एनालाइज करता हूँ। ठीक है, तो इनका मुझे मैनुअली देखना पड़ेगा, इसका जो लोड आ रहा है कॉलम का बॉटम मोस्ट व्यू, वो वी यू डिवाइड बाई बी डी करके वो चेक करना पड़ेगा। बट क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉलम में एक्स्ट्रा आ रहा था, तो उस वजह से मुझे पता चल गया कि उसमें भी एक्स्ट्रा आएगा। अब ये देखो पास हो गया। सो इन शॉर्ट अभी ये सब ऑप्टिमाइज हो गया, डेप्थ हमने ऐसे डिसाइड कर दी। बट जैसे डेप्थ बढ़ गई ना, तो आपका स्टील रिक्वायर्ड है ना वो कम हो जाएगा, बराबर ना कि गलत बोल रहा हूँ मैं? सेक्शन की डेप्थ बढ़ जाएगी तो ए एस टी रिक्वायर्ड कम हो जाएगा ना। तो अभी हाँ मुझे लगता है 16150 में देखो सब पास हो रहा है, लेयर बी में, लेयर ए में भी देखो सब पास हो रहा है ना, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अभी मैं 12150 करता हूँ दोनों लेयर में, सो मेरी ये फुटिंग भी 12150 बोथ वेज में पास हो रही है, मैंने दोनों लेयर एक साथ ऑन रखा है। अभी देखो 12150 में ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, ये भी और ये वाली भी। सो ये चारों फुटिंग, ये 5 फुटिंग तो मैं 12150 बोथ वेज में खत्म कर दूंगा। अभी बचता है मेरा ये फुटिंग, ये फुटिंग, ये फुटिंग और ये वाला। सो उसमें आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल 12150 में बैठ रहा है, बट वर्टिकल में ये एक्स्ट्रा है खाली 29 mm, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। इतना 20-25 mm स्क्वायर तो मैं इतना देखूंगा नहीं। ठीक है, और बढ़ाना है तो फिर मैं इसको 16150 कर दूंगा, तो 16150 में मेरी सारी फुटिंग पास होगी। तो ये जो 4 फुटिंग है मैं 16150 में अप्लाई कर दूंगा, जो कि मेरा 25 तक जा रहा था, 25 at 150, वो मेरा कम होके आ गया सीधा 16 at 150 पे। कैसे हुआ ये? डेप्थ बढ़ाने से हुआ। ठीक है, सो आपको डेप्थ बढ़ाना है या नहीं वो बाय पंचिंग शियर चेक ही पता चलेगा। तो आपको वन वे शियर चेक एंड पंचिंग शियर चेक, टू वे शियर चेक, ये कंपल्सरीली इसमें चेक करना है। बट ये आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर करता नहीं। तो जो हमारा मैनुअल कैलकुलेशन का जो मेथड है, उस मेथड से ही आप चेक कर सकते हो दोनों भी शियर चेक्स। ठीक है, वो शियर चेक्स परफॉर्म करने के बाद आपने डेप्थ फ्रीज कर दी, फिर आप रिइंफोर्समेंट दे दो। अब आप बोलोगे कि रिइंफोर्समेंट हम पहले नहीं देंगे तो वन वे शियर के लिए परमिसिबल टाउ सी कैसे निकालेंगे? सो मिनिमम रिइंफोर्समेंट अज्यूम कर लो बॉटम में, इतना तो श्योर है ना कि बॉटम में मिनिमम रिइंफोर्समेंट तो डालना ही है। तो जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट होता है 0.12%, वो वाला रिइंफोर्समेंट निकाल के वही पीटी के लिए आप टाउ सी पे परमिसिबल निकाल लो, और उसके लिए आप वन वे शियर चेक करो। और फिर टाउ सी इस टू वे शियर के लिए तो टाउ सी कॉन्क्रीट ग्रेड पे डिपेंड है, तो उसका रिइंफोर्समेंट से कोई लेना देना नहीं है। सो आप वैसे निकाल सकते हो, टू वे शियर डायरेक्ट चेक कर सकते हो और उससे डेप्थ डिटरमाइन कर सकते हो। फिर जैसे डेप्थ डिटरमाइन हो जाएगी, फिर आप इसका रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, रिइंफोर्समेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, सो मेरी तरफ से इतना ही है।
सो ये हमारा जो एक सेशन बच गया था, बेसिक्स ऑफ सेफ, इंट्रोडक्शन टू सेफ सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन ऑफ फाउंडेशन यूजिंग सेफ, सो वो मैंने आज खत्म किया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड पेशेंस थ्रू आउट माई लेक्चर. और कुछ भी नहीं समझा तो आप कुछ डाउट डाउट है तो आप पूछ सकते हो. हो गया सर, बाद में टेस्ट